इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड लिस्ट मिस्टर फैजू यादव। हाँ तो शेख, तो फैजू आपको पता है कि यहाँ सिर्फ टैलेंटेड लोग आते हैं, तो क्या आप में भी कोई टैलेंट है या फिर वही 15 सेकंड वाली बकचोदी करने आए हो आप यहाँ? टिकटॉक बैन होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग रील्स पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंट दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह लोग बहुत ही पसंद आ रहे हैं और दिखाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे लूंगा भी दूंगा भी टीवी में। तो हम आए हुए हैं टैलेंटेड पीपल इन 2020 के शो में और यहाँ हम मिलेंगे कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग से जो कि इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा शो में आकर? देखिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, चेहरे से लग रहा हूँ। हाँ हाँ, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। अच्छा लग रहा है? हाँ, तो निकलिए निकलिए। तो आज मिलेंगे हम ऐसे और टैलेंटेड लोग से। ये क्या मंजू चौधरी? ओह माय गॉड, अबे का दरबार। ये हमारे सबसे टैलेंटेड, कैमरा देखे नहीं सर। तो ये एंट्री हुई हमारी नोटी भाई, जो कि घोड़ों से भी तेज लात मारते हैं, हाथ मारते हैं और ना जाने क्या क्या चीज मारते हैं। आइए ऐसे टिकटॉकरों टैलेंटेड लोग से और मिलते हैं। आइए मिलते हैं फिल्टर के राजा महाराजा मिस्टर रियाज। फिल्टर है ना, ना? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टैलेंटेड पीपल इन 2020 के शो में। मैं आपका होस्टर लोडू आनंद। अभी बाकी है। तो आज हमारे शो में शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे खासम खास दोस्त, हमारे करीबी वल्ला हबीबी और उन बिन इमरान शेख होस्ट करेंगे। Later.
चौधरी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? हम तुमको कितनी बार बोलते हैं कि तुम हमको यहाँ नहीं बुलाता। आइए तो हम चलते हैं तुम्हारे पास। रास्ते में हमारी कितनी बार लूप पेंचर होती है, तुम ये देखने के लिए हमको बुलाती यहाँ? इस लाहौल में नकुबत चली परफॉर्मेंस के बाद अब चलते हैं थुकथुकी परफॉर्मेंस की ओर। बिमलो के नाया, सूद प्लस के खलनाया, हर युवाओं के लिए, हर योद्धाओं के लिए, हर समाज के लिए नायक है। आइए मिलते हैं बिमलो के बादशाह मिस्टर गुटका भाई। नहीं, गुटका तो हम भी खाते हैं बीमल। और अगर भूख क्या कहते हैं बोलिए गुटका भाई, यहाँ झुकिए, यहाँ झुकिए, यहाँ झुकिए, पहले झुकिए, पहले तो पता है तो वहाँ झुके कि यहाँ झुके कि यहाँ झुके, कहाँ ही झुकिए, यहाँ मत झुकिए। तो गुटका भाई, आपको यहाँ तक आके कैसा लग रहा है? देखिए, हमको कल्चर भी नहीं लग रहा है, हमको था पसंद गुटका खाना। अब हम गुटका खा खातिर आप कहेगा तो आपको हम 20 रुपये में दे भी देंगे, और आपका मन होगा तो 200 में कहेगा तो हम आपका ले भी लेंगे। घबराइए मत, मुझे बहुत हो चुका है। चलते हैं आपके परफॉर्मेंस की तरफ। देखिए, हम परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे, गुटका है तो बोलिए। गुटका तो फिलहाल नहीं है। हाँ तो हम नहीं देखा पाएंगे। आप तो खा रहे हैं बिना। एक और दीजिए, इनके लिए गुटका मंगाया जाए। मंगाओ थोड़ी के, अरे दो चार मंगाओ यार। पहले तो आप ये सुनिए, पूरा गुटका खा खा कर लाल पीला कर दिए तुक तुक कर। पहले आप बढ़िया से बात कीजिए, हमारा टैलेंट का है आपको पता है, हम थूकबे करते हैं, तो हम यहाँ थूक नहीं आते, हम आपसे गुटका का है मंगाते हैं। अच्छा छोड़िए, बहुत पसंद आती, हम इसको दुबई ले जाती, थुकवा थुकवा के इससे अपना घर पेंट कराती। तो गुटका भाई, आपको नेहा काका जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको, बताएं हमारे दर्शकों को। पहला बात ये सुनिए, तो नेहा काका साथ हम काम नहीं किए हैं, नेहा काका हमारे साथ काम किया, आ गई हमारे घर, पैर पकड़ ले। गुटका भाई, आपके बिना हमारा वीडियो एकदम अधूरा है, तो हम भी कह दिए कि पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए गुटका, तो बोले कि देंगे, हम कहते चलिए। आपका परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब रहा, तो मिलते हैं इस शो के बाद। एक मिनट रुकिएगा, जज साहब जीते कि हारे? आपको उसका रिजल्ट लास्ट में बताया जाएगा। वल्ला हबीबी, तुम हमको बहुत पसंद आती, तुम हार दिया जीती हम तुमको दुबई पक्का ले जाती। क्या
को देख रहे हैं कि टिकटॉक की टिकटॉक बड़ी दुनिया में एक से बढ़कर ये योद्धा पैदा हो रहे हैं और तो इन्होंने घोड़ों को भी पीछे छोड़ रखा है। इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रहे हैं। आज ऐसे ही आपको एक बेहतरीन योद्धा से मिलाते हैं जो कि घोड़ों से भी ज्यादा लात मारते हैं, हाथ मारते हैं। आइए आपको मिलाते हैं अपने बच्ची लगती। हम इसको भी दुबई ले जाते हैं। गिर गया मौसड़ी के। तो जैसा कि हमने देखा कि नॉटी माइक गिर चुके हैं, वैसे तो ये लोग गिरे हुए इंसान होते ही हैं। ये सोच जल्दी खत्म करती है। क्यों? क्योंकि हम घर नहीं जाती तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। दाल तुम बनाते? हम कुकर का रबड़ पहन के आते। काफी सारे परफॉर्मेंस के बाद आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका दावा है कि पूरे भारत मिलाकर पूरे एक साल में उतने कपड़े नहीं बदलते होंगे जितने की वो सिर्फ 15 सेकंड की एक वीडियो में बदल डालते हैं, जो कपड़ों की मां बहन एक कर देते हैं। हमें तो यह भी नहीं मिलती। तुम दुबई आती, तुमको 300 में दिलाती मैं। सारे कपड़े ना लेके जाइए यहाँ से। चोरो निकट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले कंसल्टेंट की तरफ जो कि तो आइए स्वागत करते हैं उनका। आइए झाड़ू के बादशाह मतलब विश्वास नहीं है ना। यस वेरी ट्रू। एस यू ए आर सुअर है जो हमें दिलाओ। बताया क्या था है? किस बंदे के इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन फॉलोवर होती और पहली ही वीडियो में 30 मिलियन से ज्यादा व्यू होती? किसको? उसकी 3 मिलियन लाइक भी होती यूट्यूब पे। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक चुतिया पकड़ के पहुंचने के बाद? इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे और इंशाल्लाह कुछ अलग करके दिखाएंगे। और दिखा तो रहे हो। 3 मिलियन किसे मिलते हैं? ऑनलाइन चलिए कोई बात नहीं यादव जी, मतलब सेठ जी, अब आप अपना गला फाड़िए। गला तो है ही नहीं आपके पास। मैनू तू क्यूटी लगदी है, पंग दी बूटी लगदी है, दिल करदा पीजा तेनू मैंगो दी फ्रूटी लगदी है, मैनू तू क्यूटी लगदी। वाह फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शानदार एक्टिंग। इतने अच्छा लिपसिंग तो हमारी उतनी नहीं करती, एक बार चारा खाती दिन भर लिपसिंग करती। वैसे हम चलती, हमारी घर पे दाल नहीं बनती हो। आपके इस लाजवाब प्रदर्शन के बाद 5 मिलियन तो कंफर्म। लाइक ना अनलाइक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो पिक्चर।